तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयरबटन की गोइंग प्लेसेस। तो इसमें इसका सारांश देखेंगे, इसमें मेन मेन कैरेक्टर कौन है, ऑथर के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं। तो ऑथर एयरबटन हैं। इनका जन्म 17 दिसंबर 1913 लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1943 लैंडो यूनाइटेड किंगडम में ही हुआ। तो अब बात करते हैं इसमें गोइंग प्लेस का इंट्रोडक्शन, जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है। तो एयरबटन द्वारा लिखित अध्याय गोइंग प्लेस किशोरों और उनके सपने के बारे में चर्चा करता है। लेखक का कहना है कि किशोर उम्र की अवधि आकांक्षाओं के बारे में है। वे जीवन में असंभव चीज़ों को हासिल करने में विश्वास करते हैं। अधिकांश किशोरों का एक आदर्श होता है जिसे वे अपने नायक के रूप में पूजते हैं। तो दोस्तों अगर इसकी थीम की बात करें, इस चैप्टर का थीम, तो इस अध्याय में लेखक इस तथ्य पर जोर देते हैं कि किशोरों के लिए अवास्तविक सपने आना काफ़ी स्वाभाविक है, खासकर जब उनके परिवार ठीक नहीं है। यदि कल्पनाएं हमारे दृष्टिकोण से परे हैं तो यह दुखों को जन्म दे सकती है। युवा आमतौर पर सफल लोगों का आदर्श मानते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने का सपना देखते हैं। उनके सपने उन्हें जीवन की कठोर वास्तविकताओं से दूर ले जाते हैं। इससे उनके जीवन के लिए जीवन के संदर्भ में आना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों अब थोड़ा सा इसका समरी डिस्कस कर लेते हैं। तो शॉर्ट में इसको समरी देखते हैं। तो कहानी सोफी के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक किशोरी है, ठीक है। तो जो अपनी उम्र के अन्य लोगों की तरह कल्पना और इच्छाओं से भरी है। वह एक गरीब वित्तीय पृष्ठभूमि से आती है, गरीब परिवार से आती है, लेकिन भविष्य में परिकृष्ट होने की उम्मीद रखती है। सोफी एक दिन एक बुटीक का मालिक बनने या एक अभिनेत्री या फैशन डिजाइनर बनने का सपना जो है वह देखती है। लेकिन उसकी दोस्त जेंसी का मानना है कि वह दोनों को बिस्किट फैक्ट्री के लिए काम करने के लिए निर्धारित किया गया है। तो जेंसी जो अधिक यथार्थवादी है, सोफी को वास्तविकता दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन व्यर्थ हो जाता है। अब सोफी अपने माता पिता और भाइयों जियोफ और छोटे डेरेक के साथ एक छोटे से घर में रहती है। हालांकि वह अपनी भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त करती है, उनके माता पिता उसका उपहास करते हैं क्योंकि वे उसके विपरीत अधिक परिपक्व हैं और उनके जीवन की सच्चाइयों को जानते हैं। तो इस कहानी का केंद्र यह है कि सोफी आयरिश फुटबॉल खिलाड़ी डैनी केसी के बारे में कल्पना करती है, जिसे उसने अनगिनत मैचों में खेलते देखा है। वह एक कहानी बनाती है कि कैसे वह उससे गलियों में मिली और जियोफ को यह बताती है कि जियोफ, जो सोफी से अधिक समझदार है, वास्तव में उस पर विश्वास नहीं करता है कि भले ही वह चाहता हो। सोफी के लिए उनकी गली में कौतुक से मिलना एक असंभावित घटना लगती है, लेकिन जब सोफी बैठक का विस्तार से वर्णन करती है तो वह आशा करने लगती है कि यह सच हो सकता है। वह उसे बताती है कि डैनी ने उससे फिर कहीं मिलने का वादा किया है। तो सोफी अपने द्वारा बताई गई कहानी में इतनी उलझ जाती है कि वह खुद मानने लगती है कि यह सच है। वह आयरिश खिलाड़ी का इंतजार करती है, लेकिन जाहिर है वह कभी नहीं आता। फिर वह अपने घर का रास्ता बनाती सोचती है कि उसका भाई यह जानकर कैसे निराश होगा कि डैनी केसी ने कभी नहीं दिखाया। हालांकि सोफी अभी भी अपने नायक के बारे में बेफिक्र होकर कल्पना करती है। तो पूरी कहानी अवास्तविक सपने के बारे में है और कैसे हम यह जानते हुए कि उनके सच होने की बहुत कम संभावना है, उनमें लिप्त होना पसंद है। कहानी सीमा के भीतर सपने देखने की ओर इशारा करती है। जब तक आप असंभव रूप से महत्वाकांक्षी, मेहनती और धैर्य और दृढ़ता का भार नहीं रखते, तब तक ऐसे सपनों का ताला और चाबी के नीचे रखा जाता है, जब तक कि आपको कड़वी निराशा का स्वाद पसंद ना हो। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इस अध्याय में मुख्य कैरेक्टर जो है, मेन कैरेक्टर, वो जॉन्सी हैं। तो जॉन्सी एक मध्य यानी मिडिल परिवार से ताल्लुकात रखती है। वह एक समझदार और व्यवहारिक लड़की थी। उसके जीवन में उच्च महत्वाकांक्षाएं नहीं थी क्योंकि वह अपने जीवन की वास्तविकताओं से अवगत है। वह सोफी के विपरीत कल्पनाओं में विश्वास नहीं करती। वह पहले से ही जानती थी कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है।
अब सेकेंड कैरेक्टर की बात करते हैं जियोफ। तो जियोफ जियोफ मृदुभाषी और अंतर्मुखी व्यक्ति थे। वह वास्तविकता में जीना पसंद करते थे और बहुत मेहनती वो थे। बात करते थर्ड कैरेक्टर तो सोफ़ी। अब सोफ़ी एक मुखर और दिवासप्रस्त देखने वाली थी। उनके विभिन्न सपने और कल्पनाएं थी। उनके जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एक मध्यवर्गीय यानी मिडिल फैमिली से ताल्लुकात रखने वाली उसकी कल्पनाएं और उसकी पहुंच बहुत दूर थी।